बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू पॉपुलर टीवी। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के ताहाल ज़िंदा रहने के बारे में इख्तलाफ़ है। जमहूर उलमा फरमाते हैं कि वो ज़िंदा हैं। एक कौल ये है कि तूफ़ान नूह के बाद चूँकि आपने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को दफन करने की ज़िम्मेदारी निभाई, जिसके नतीजे में अपने वालिद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दुआ के तुफ़ैल दराज़ी उमर के मुस्तहिक करार पाए। हाफिज़ इब्ने असाकर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के सलबी फर्जंद हैं। फिर इब्ने असाकर ने इस बात पर यह रवायत भी नकल फरमाई है कि दारुल कज़नी फरमाते हैं, हमसे मोहम्मद बिन फताह कलांसी ने बयान किया, वो फरमाते हैं हमसे मकातिल बिन सुलेमान ने बयान किया कि इब्ने इसहाक रहमतुल्लाह अलैह का बयान है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के विसाल का वक्त जब करीब आया तो आपने अपने साहबजादों को आगाह किया कि अन करीब इंसानियत पर एक तूफ़ान आएगा और मैं तुम्हें वसीयत करता हूँ कि इस तूफ़ान के वक्त कश्ती में अपने साथ मेरी नाश को भी उठा लेना और वहाँ दफन कर देना जो जगह इनके पड़ाव के लिए मुअय्यन हो। जब तूफ़ान आया तो उन्होंने आपके जस्ते मुबारक को साथ ले लिया। जब ज़मीन पर उतरे तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने आपके साहबजादों से फरमाया कि इनके जस्ते अथर को ले जाओ और इनकी वसीयत के मुताबिक दफन कर दो। उन्होंने कहा, ज़मीन इनके जस्ते अथर के साथ मानूस नहीं है और इस ज़मीन पर वहशत टपकती है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने इन्हें तरकीब देते हुए फरमाया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने ऐसे शख्स के लिए लंबी उम्र की दुआ मांगी है जो उनके जसद को दफन करेगा। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ही थे जिन्होंने दफन करने की जिम्मेदारी ली। इस जिम्मेदारी से अहद बराबर होने पर अल्लाह ताला ने अपना वादा पूरा फरमाया और वो ताहाल जिंदा हैं और जब तक अल्लाह चाहेगा वो जिंदा रहेंगे। दूसरा कौल यह है कि आपने आबे हयात के चश्मे से पानी नोश फरमाया था, इसलिए आप जिंदा हैं। और इस पर उन्होंने बहुत सारी अहादीस भी जिक्र की हैं जिनसे आपके ताहाल जिंदा होने की दलील है। दोस्तों, पॉपुलर टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। आपसे मुलाकात होगी मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।